रोमन ने यहाँ पर सोलो सिको को एक्नोलेज किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोलो सिको ने आखिर क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया रोमरेंज को एक बार फिर से। और न ही यहाँ पर केवल रोमन को डिस्ट्रॉय किए थे, उनके साथ साथ यहाँ पर जिमी ओसो को भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो गाइस आइए देखते हैं आज के स्मैकडाउन पे आखिर इनके बीच क्या कुछ हुआ। उसके बाद यहाँ पर शो की स्टार्टिंग होती है रोमरेंज, और यहाँ पर रोमन सीधा रिंग में आ जाते हैं और यहाँ पर फैंस से बोलते हैं कि एक्नॉलेज करो उनको। उसके बाद यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर सोलो सिको का एंट्रेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर रोमन यहाँ पर बिहेव नहीं करते, केवल नॉर्मल ही फील कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर रोमन सोलो सिको से पूछते हैं कि मैंने सुना कि यहाँ पर तुम ब्लड लाइन फैमिली बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पर रोमन यहाँ पर सोलो सिको से बोलते हैं कि तुम फैमिली नहीं बल्कि फैमिली को बिगाड़ रहे हो और फैमिली को डिवाइड कर रहे हो। इस बार के समर स्लैम में यहाँ पर तूने सारा कुछ यहाँ पर बिगाड़ दिया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से सब कुछ वापस आ जाए। और यहाँ पर रोमरेंज बोलते हैं कि मैंने अपने पिता को यहाँ पर वादा किया हूँ कि मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगा एक बार फिर से, और वो मैं यहाँ पर करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी यहाँ पर सोलो सिको से रोमरेंज पूछते हैं कि आखिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और जिससे कि मैं यहाँ पर सब कुछ अपना वापस पा सकूं। और तभी यहाँ पर सोलो सिको से बोलते हैं कि सबके लिए तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, केवल एक चीज करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर जब रोमरेंज इनके मुंह से सुनते हैं कि एक्नॉलेज करना पड़ेगा, यहाँ पर रोमरेंज खुद यहाँ पर डिसाइड करके आए थे कि उनको यहाँ पर एक्नॉलेज करने जा रहे हैं सोलो सिकोवा को। पहले तो गाइस यहाँ पर कुछ समय तक रोमेज हिचकिचाते हैं और थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं जब उनको यहाँ पर एक्नॉलेज करने जा रहे थे, फिर फाइनली उन्होंने यहाँ पर सोलो सिको को एक्नॉलेज कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर रोमेज उनको एक्नॉलेज करने के बाद यहाँ पर सोलो सिको से बोलते हैं कि लो मैंने फाइनली कर दिया। और तभी यहाँ पर सोलो सिको उनसे बोलते हैं कि इतना काफी नहीं है। और तभी यहाँ पर सोलो सिको उनसे बोलते हैं कि तुम ऐसे बोलो कि आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइवल चीफ। और तभी यहाँ पर सोलो सिको बोलते हैं कि नहीं तो, यहाँ पर रोमेज बोलते हैं कि नहीं तो तुम क्या कर लोगे आखिर। और तभी यहाँ पर सोलो सिको गुस्सा कर इनसे बोलते हैं कि लो मैं जान गया तुम कभी नहीं बदलने वाले, तुम कभी नहीं बदलोगे रोमरेंज। और तभी यहाँ पर सोलो सिको ब्लड लाइन को बुलाते हैं और आप देख सकते हैं जिमी ओसो का किस तरह से हालत बिगाड़ दिया यहाँ पर ब्लड लाइन ने। और ये देखकर यहाँ पर रोमेज का दिमाग घूम जाता है कि आखिर इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया जिमी ओसो के साथ। और तभी यहाँ पर सामने से यहाँ पर सोलो सिको उनके ऊपर अटैक करने जा रहे थे, तभी यहाँ पर रोमेज बच के उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद ओलाफ ओला अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको जब पहने जा रहे थे तभी वहाँ पर पीछे से अटैक कर देते हैं सोलो सिको उनके ब्लो ब्लो में। और तभी यहाँ पर एक साथ यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम आ जाती है और सोलो सिको भी मिलकर यहाँ पर रोमेज को काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और गाइस जब यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम यहाँ पर रोमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो यहाँ पर आज जी उसो प्रेजेंट थे। हमें लगा यार जी उसो यहाँ पर बचाने आएंगे, पर यहाँ पर जी उसो भी ऐसा नहीं करते। वैसे गाइस ये पहली बार तो नहीं, यहाँ पर काफी समय हो चुका है यहाँ पर रोमेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं सोलो सिको के हाथों से। वैसे आज के स्मैकडाउन को यहाँ पर देख के पता चल गया कि यहाँ पर रोमेज का जो अगला स्टेप होने वाले वो सोलो सिको होंगे क्राउन ज्वेल में। वैसे आज के स्मैकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बता सकते।